हेलो एवरी वन वेलकम टू परिश्रम विज्ञानम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड इन वन पर्टिकुलर वीडियो ओनली ओके आई एल एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन हिंदी इन दिस वीडियो ओके सो शुरू करते हैं सो वॉट वॉट इज बायो डाइवर्सिटी सो फर्स्ट लाइट में क्या है वॉट इज बायो डाइवर्सिटी सो फर्स्ट आई एल रीड आउट द डेफिनेशन ऑफ इट बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब्स द रिचनेस ये रिचनेस के बारे में बोलता है एंड द वायटी क्या वराइटी है ऑफ़ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ लाइ जो अर्थ में जो लाइफ फॉर्म्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स है एनिमल्स है माइक्रो ऑर्गैनिज़म्स है, है उन लोग का जो वराइटी वराइटी ऑफ फॉर्म्स है प्लांट्स का भी वेराइटी ऑफ फॉर्म्स हैं एनिमल्स का भी है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का भी है तो उन लोग का वराइटी और रिचनेस के बारे में बोला गया है इन बायोडाइवर्सिटी वही बायोडाइवर्सिटी होता है ओके इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स uh, एक सिस्टम होगा क्योंकि उसमें कितने सारे वैरायटी है और कितना सारा रिचनेस है ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लोग का ओके एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर प्लानट ऑब्वियसली उन लोग इम्पॉर्टेंट फीचर्स है विदाउट दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म द प्लानट इज़ नॉट अ लिविंग प्लानट समझ में आया सो विदाउट बायोडाइवर्सिटी लाइफ वोट वुड नॉट सस्टेन सो बायोडाइवर्सिटी के बिना लाइफ होगा ही नहीं इस प्लानट में अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बेसिकली ये रिचनेस के बारे में बोलता है और वेराइटी के बारे में बोलता है किसका प्लान्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग हैं समझ में आया ओके दैन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइट सो इधर सम दे आर सम फैक्ट्स अबाउट दिस चैप्टर जो नीट एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा सो यू हैव टू नो थ्री इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो फर्स्ट फैक्ट बोला है इंसेक्ट फॉर्म्स द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसमें क्या बोला है जितने भी लिविंग फॉर्म्स है प्लांट है एनिमल्स है और प्लांट का भी कैटेगरीज है हर्ब शर्ब ट्रीज है हाँ और एनिमल्स लोग का भी कैटेगरी है लाइक like फिश है एम्फीबियंस है रेप्टाइल्स है एव्स है मेमल्स है समझ में आया इंसेक्ट्स है हाँ सी क्रिएचर्स है एक्वाटिक एनिमल्स है समझ में आया तो अभी उसमें जो इंसेक्ट का डाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा है मींस हम लोग को इंसेक्ट वैरायटी सबसे ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू एनी अदर कैटेगरी ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो मेज रेन अभी फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप्स होता है फॉरेस्ट आर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स तो अभी कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हम लोग को दिखाई मिलेगा वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओके देन द लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है हम लोग का वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी कितना है कितना है इट्स अराउंड वन पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन है ये एक बार नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन सो so आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा नंबर वन पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियंस होगा तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू दिस चैप्टर विच यू हैव टू नो है देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अभी ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है आई यू सी एन रेड डाटा लिस्ट से तुम लोग गूगल में सर्च कर सकोगे आई यू सी एन रेड डाटा उसमें क्या होता है उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट एनिमल्स तो उन लोग कितना लेवल ऑफ एक्स थ्रेटनड है उन लोग का एक्सटिंक्शन होगा क्या कितना परसेंट रिस्क में है उन लोग सो so, इसमें एक वैल्यू ऑलरेडी दिया है मोर देन फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड स्पीशीज आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन इतने सारे स्पीशीज अभी भी थ्रेटेंड है विथ एक्सटिंक्शन होगा अभी इधर क्या बोला है कुछ कुछ लोग का एग्जाम्पल दिया है लाइक एम्फीबियंस फोर्टी वन परसेंट आर इन रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन मेमल्स ट्वेंटी सेवन परसेंट होगा उसके बाद um, कॉनिफर्स जो थर्टी फोर परसेंट बर्ड्स जो थर्टीन परसेंट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होगा अभी नेक्स्ट जो है हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस uh, देना है उस वो है साइकिट्स जो हम लोग सर्कस प्लान बोलते हैं ना तो वो फोर्टी नाइन परसेंट इज़ इन रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन तो ये ज़्यादा रिस्क में है साइकिट्स जो जो एक प्लांट वैरायटी है समझ में आया तो हम लोग को ये वैल्यू याद रखना है कि कौन सा कैटेगरी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में कौन सा ज़्यादा रिस्क है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है तो ये है साइकिट्स होगा अभी मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ ये है साइकिट्स तुम लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों का घर में भी होता ही है हो तो ये होगा तो दिस इज़ अ साइकिल्स दिस इज़ इन हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन सो अभी हम लोग थोड़ा क्लासीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग को क्यों क्लासीफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को बहुत साइंटिस्ट लोग ने क्लासीफिकेशन दिया है तो हम लोग क्लासीफाई क्यों करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे होगा okay? तो अभी हम लोग व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासीफिकेशन क्यों करना है हम लोग को क्लासीफाई होगा तो फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि क्लासिफिकेशन इज नीडेड फॉर द कन्वीनियंस स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वीनियंस स्टडी होने के लिए कन्वीनियंस मीन्स ईजी ईजिली हम लोग पढ़ सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ वो कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन क्या है हम लोग कैटेगरी वाइज सिमिलर जिसका कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है जैसे एक पर्टिकुलर जैसे आप और मैं वी आर सेम वी आर सेम वी आर ह्यूमन बींग्स तो हम दोनों को एक साथ एक कैटेगरी में घुसा दिया इफ़ सपोज़ मेरे पास दो तीन बर्ड्स हैं तो उन लोगों को दूसरा कैटेगरी में घुसाया तो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी कैरेक्टर हम लोगों ने ग्रुपिजम uh, किया होगा तो उसका कन्वीनियंस स्टडी बना के नहीं हम लोग के लिए ईजी हो गया अभी स्टडी करने के लिए हाँ इफ उन लोग मिक्स होके रहता तो हम लोग को बहुत डिफिकल्टी होता फॉर द स्टडी हाँ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है इट इज़ नेसेसरी फॉर नोइंग द डिफ़रेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म तो हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं हम लोग को डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म नज़र आता है इसलिए इसलिए तो हम लोग अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं ना ग्रुप कर सकते हैं तो वी वी गेट टू नो द डिफ़रेंट वैरायटी कितना वैरायटी है हम लोग का तो हम लोग वो जान सकेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इट हेल्प्स इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म तो हम लोग उन लोगों को करेक्टली आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे इफ़ हम लोगों ने ग्रुपिज्म कर लिया व हम लोग को पता चल गया हम ये ह्यूमन्स uh, है तो ये मेमल्स में कैटेगराइज होगा ये फिश है तो फ़िश में ही होगा समझ में आया तो हम लोग ईजीली करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कन्वीनियंस स्टडी कर सकते हैं और हम लोग डिफरेंट वैराइटी को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं होगा सो so, इसलिए क्लासिफिकेशन नेसेसरी है सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अभी और दो पॉइंट है नीड फॉर क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट फिर से uh, क्या है लिखा है इट हेल्प्स टू नो द ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो समझ में उसका एनसिस्टर कैसा था एंड इवोल्यूशन कुछ इवोल्यूशन कुछ डिफरेंस आया है क्या पहले से लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जिराफ हाँ पहले ये मानना था कि जिराफ जो एक गोट जैसा है हाँ इट वॉज़ लाइक अ गोट जब उस आ, जब आ, उसका इन्वामेंट क्या था जिराफ का उन लोग ड्राई डेजर्टेड कंडीशन में रहते थे तो क्या होता था उसमें ग्रास तो ख़त्म हो जाता था ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में तो उन लोग ट्री का लीव्स को खाने का ट्राई करते थे तो विथ रेगुलस प्रैक्टिस ऑफ द इलोंगेशन ऑफ़ द नेक उन लोग अपना नेक को पूरा इलोंगेट बार बार ट्राई करता था ना ऊपर में पहुंचने के लिए तो बार बार रेगुलस ट्राई करने के बाद उन लोग का अभी द नेक इज़ वेरी लॉन्ग इट इज़ अ थियोरी ओके सो इट इज़ अ बिलीव दैट ऐसा हुआ है तो so, इवोल्यूशन में क्या हुआ है और ओरिजिनलिटी क्या था उन लोग का होगा इट हैल्प्स टू नो द ऑरिजिन कहाँ से आया है हम लोग भी तो बोलते हैं ना कि वी आर फ्रॉम अ मंकी फैमिली इट्स लाइक दैट तो ऑरिजिन कहाँ है और इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कुछ इवोल्यूशन हुआ है क्या पहले कैसे थे अभी कैसे है होगा तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप एमोंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी उन लोग का बीच में कुछ इंटर रिलेशनशिप है क्या विद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म समझ में आया तो हम लोग को इसलिए क्लासिफिकेशन नेसेसरी है हम लोग कन्वीनियंस स्टडी भी कर सकता है हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है हम लोग उन लोग हम लोग को पहचान सकता है इवोल्यूशनी ट्रेंड हम लोग जान सकते हैं उसके बाद जो इंटर रिलेशनशिप एमोंग अदर ऑर्गेनिज्म के साथ भी हम लोग जान सकते हैं इसलिए क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन ये देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिस दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कौन है ये एरिस्टोटल है ये दिस इज अ पिक्चर शोइंग एरिस्टोटल है तो इसने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था क्लासीफिकेशन इसने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था क्लासीफिकेशन का तो उसने क्या किया है प्लांट को ह, श, हर्ब हर्ब शब्स एंड ट्री में क्लासीफाई किया है जो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते हैं ना तो वैसे ही उसने प्लांट को हर्ब शब्स और ट्री में आ, वो क्लासीफाई किया है और एनिमल्स को क्लासीफाई uh, किया ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्लड किसी एनिमल्स में ब्लड एबसेंट होता है किसी एनिमल्स में ब्लड प्रेजेंट होता है तो एरिस्टोटल uh, uh, ने जिस ऑर्गेनिज्म में ब्लड प्रेजेंट नहीं है उसको एक कैटेगरी में किया उसके बाद जिस ऑर्गेनिज्म uh, uh, में ब्लड प्रेजेंट है उसको एक दूसरा कैटेगरी में कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल होगा अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट अभी देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है फर्स्ट द एरिस्टोटल ने दे दिया था क्लासिफिकेशन प्लांट एनिमल्स बोला था उसके बाद uh, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरलस लीनियस ने ये है कैरलस लीनियस इसने uh, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ही कैटेगराइज एंड क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी तो uh, कैरलस लीनियस ने फर्स्ट तो क्या खाते हैं उन लोग द प्लान्ट एनिमल्स जो भी है उसने अभी कैटेगराइज़ नहीं किया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लोग क्या खाते हैं मीन्स न्यूट्रिशन क्या लेते हैं एंड मोबिलिटी उन लोग मूव कर पाते हैं कि नहीं हाँ तो उसका बेसिस में इन्होंने क्लासीफाई किया है किंगडम प्लांटे में और किंगडम एनिमेलिया में तो इसमें हम लोग क्या आ, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं प्लांट तो मूव नहीं कर सकता बट एनिमल्स मूव कर सकता है तो मोबिलिटी हुआ कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी क्लासिफिकेशन हुआ उसके बाद न्यूट्रिशन का बेसिस में ये क्लासिफिकेशन हुआ कि नहीं अभी देखते हैं प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है ऑटोट्रॉप्स है सनलाइट क्लोरोफिल का हेल्प से उन लोग खुद से फूड बनाता है अभी एनिमल्स तो दे डिपेंड ऑन अदर देयर फूड नो सो दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स दे आर हेट्रोट्रॉप्स सो एनिमल्स जो हैट्रोट्रॉप्स हो गया और प्लांट्स जो Autotrops हो गया तो न्यूट्रिशन का ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन भी जस्टिफाई करता है कि कैरोलस uh, लीनियस uh, ने दो किंगडम में डिवाइड किया है दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अभी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है अर्नेस्ट है अर्नेस्ट तो इन्होंने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है ऑर्गेनिजम्स को फर्स्ट तो किंगडम एनिमेलिया सेकंड किंगडम प्लांटे एंड थर्ड किंगडम प्रोटेस्टा इन्होंने और एक किंगडम ऐड कर दिया दैट इज किंगडम प्रोटेस्टा समझ में आ रहा है अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन uh, में चलते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वो कॉपलैंड ने दिया ये है कॉपलैंड का पिक्चर तो इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एक तो प्लान्ट एनिमेलिया तो है हम लोगों ने पढ़ा है उसके बाद प्रोटिस्टा उसके बाद उन्होंने और एक ऐड किया डैट इज़ किंगडम मोनेरा जिसमें सब बैक्टीरियाज लोग कैटेगराइज है इसमें जितने भी बैक्टीरियाज़ है सब मोनेर में कैटेगराइज है तो इन्होंने ये वाला एक किंगडम ऐड किया है कॉपलैंड ने अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो दिया है आर एच विटेकर ने कौन सा ईयर में 1969 में ये भी ईयर भी याद रखना है ये है आर एच विटेकर का पिक्चर तो इन्होंने 1969 में uh, दिया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इन uh, इनने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस में किया है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर देख के क्या है इंटरनल सेल स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिजम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वो हैट्रोट्रॉप है ऑटोट्रॉप है सेप्रो सेप्रोट्रॉप है तो क्या है उन लोग का मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन आया कहाँ से एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है तो आरिश वटिकर ने कंसिडर किया फोर टोटल फोर पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एच वी टिका ने क्लासीफाई किया है ऑर्गेनिज्म को दैट इज कॉल्ड फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन कब क्या है नाइनटीन सिक्सटी नाइन में समझ में आ रहा है एंड वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सेल्स स्ट्रक्चर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स सी द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कैस किस बेसिस में क्या एनिमल्स uh, तो है ही एनिमल्स क्या है उसके बाद प्लांट कैटेगराइज क्या है इन्होंने फंजाई एक कैटेगरी ऐड किया है कॉपलैंड का तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ये तो बन ही रहा है उसके बाद आरिश विटिकर ने और एक ऐड कर दिया फनजाई को उसके बाद बैक्टीरियास है जो मोनेरंस है उसके बाद प्रोटिस्टा है प्रोटिस्टा में हम लोग का एमीबा ये सब कैटेगराइज होगा समझ में आ रहा है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटाई किंगडम फंजाई किंगडम बैक्टीरिया और मोनेरंस और किंगडम प्रोटिस्टा दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय आर एच विटिका इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन गेटिंग माई पॉइंट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइक अभी देखते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग अभी हम लोग लिविंग नॉन लिविंग हम लोग जानते हैं हम लोग छोटे से पढ़ के आ रहे हैं उन लोग का डिफरेंस कौन सा है लिविंग कौन सा है नॉन लिविंग तो अभी हम लोग उन लोग का प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग किसको बोलते हैं लिविंग बींग सपोज वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रोथ ग्रोथ वी कैन क्लासीफाइड इट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज ये ग्रोथ नॉन लिविंग में भी फॉलो होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल लिविंग वी आर ग्रोइंग प्लांट्स आर ग्रोइंग लिविंग में तो ग्रो हो ही रहा है बट इन नॉन लिविंग ऑल्सो सम थिंग्स आर ग्रोइंग सपोज माउंटेन इज ग्रोइंग एम आई करेक्ट माउंटेन इज ग्रोइंग और नॉट ओके सो अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रेंसिक ग्रोथ इंट्रेंसिक ग्रोथ बोलते हैं उसके बाद जो नॉन लिविंग में भी हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं ना तो जो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है उसको एक्सट्रेंसिक ग्रोथ बोला जाता है डैट इज कॉल्ड एक्सट्रेंसिक ग्रोथ अभी नेक्स्ट पॉइंट में आते है दैट इज रिप्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन वी कैन ओनली सी इन लिविंग बींग्स ओनली मेल फीमेल का फ्यूशन होता है गैमेट फॉर्मेशन होता है हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल ए सेक्शुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख सकते हैं हम लोग का इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज होके ऑफस्प्रिंग बेबीज प्रोड्यूस करते हैं बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नॉन लिविंग में नहीं देख सकते होगा दिस इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बींग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अभी मेटाबॉलिज्म के बारे में बोला अभी मेटाबॉलिज्म होता क्या है मेटाबॉलिज्म क्या होता है हम लोग ने खाना खाया एंड वो फूड हम लोगों ने क्यों खाया टू गेन एनर्जी तो हम लोग का जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का अंदर कितना केमिकल रिएक्शन होता है ना हम लोग का फर्स्ट मुंह में सलाइवा में मिक्स होता है उसके बाद ईसोफेगस से होकर स्टमक में जाता है स्टमक में भी कितने सारे हॉमोन्स uh, है इन्जाइम्स uh, है सॉरी इन्जाइम्स है एसिड भी है उसके बाद एब्जॉर्ब भी करता है कुछ इम्पोर्टेंट uh, वो इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स हाँ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना उसके बाद हम लोग को एनर्जी मिल रहा है इसलिए तो हम लोग खाना खाते हैं दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म क्या बोल रहा है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आर बॉडी जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हम लोग का बॉडी में वही मेटाबोलिज्म कहलाता है अभी क्या हो रहा है चेंज फूड टू एनर्जी इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हम लोगों ने फूड खाया वो फूड का नेचर चेंज हो रहा है ना अंदर इंजाइम्स कुछ कुछ मिल के हो रहा है तो वो हम लोग को एनर्जी दे रहा है दैट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबोलिज्म आई यू गेटिंग अभी फोर्थ नंबर पॉइंट में देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर तो हम लोग को सेलुलर स्ट्रक्चर ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई मिलेगा ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स में तो कैसे दिखाई मिलेगा लेकिन सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स अ सेल बी इट अ प्लांट और एनिमल सेल उसमें तो न्यूक्लियस होगा ही बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल तो बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है उसमें न्यूक्लियज होता है उसमें फ्री फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस का अंदर होता है ना तो वो फ्रीली फ्लोट होता है उन लोग का कुछ मेम्ब्रेन नहीं होता है बट देर इज अ सम सेल स्ट्रक्चर इन इन इट ये तो सेल स्ट्रक्चर है ना बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का अभी सपोज दिस इज़ अ प्लांट और एनिमल सेल इसमें तुम तुम्हारा होगा न्यूक्लियस होगा साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन प्लांट होने से तो Uh, हम लोग का होगा प्लांट uh, होने से तो सेल वॉल होगा देन uh, इसमें होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन गोल्गी बॉडीज़ गोल्गी बॉडीज़ भी होगा राइबोसोम्स होगा इतने सारे सेल्स सेल ऑर्गैनिलीज होते हैं उन लोग का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है पर अभी हम लोग कुछ नॉन लिविंग थिंग्स का हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर तो होगा नहीं उन लोग को माइक्रोस्कोप में देखने से क्या दिखाया मिलेगा इट्स नॉट लिविंग इट्स नॉन लिविंग ओके तो ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर जो हम लोग को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग बींग्स में दिखाई मिलता है अभी लास्ट पॉइंट देखते हैं कॉन्शियसनेस दिस कॉन्शियसनेस इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट ऑफ लिविंग बींग क्योंकि हम लोग कॉन्शियस है ना सपोज एनी पर्टिकुलर एनिमल इज कॉन्शियस सपोज अभी सपोज एक बर्ड है बर्ड है हम लोग बर्ड के पास जाते हैं तो बर्ड कॉन्शियस हो जाते हैं ना वो कोई समबडी इज कमिंग नियर अस कोई आ रहा है हम लोग के पास तो वो उड़ के चला जाता है मीन्स बर्ड इज़ ऑल्सो कॉन्शियस इवन एनिमल्स आर कॉन्शियस पर लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब ये अब अभी स्टोन के पास में जा रही हूँ वो स्टोन तो भाग के नहीं जाएगा वो तो खुद का अपना पोजिशन में ही रहेगा बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग इट डज़ नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्शियसनेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है इसलिए उन लोग दूर भाग जाता है डर के मारे हाँ हम लोग भी कॉन्शियस है हम लोग के पास में कभी स्पाइडर आ जाएगा कुछ बड़ा बड़ा इंसेक्ट आ जाएगा लायन लेपर्ड कुछ आ जाने से हम लोग भी कॉन्शियस होके दौड़ने लगेगा ना तो इसलिए वी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेरी मच कॉन्शियस ओके सब पॉइंट समझ में आए फाइव पॉइंट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स का अभी नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं लेट्स सी द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ जो दिया है ने ने ये ये ने दिया है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ पहला डोमेन क्या बोल रहा है इसको मैं इधर हटा देती हूँ पहला जो है वो आर्किया है इन दिस इसमें कैटेगराइज होता है एंशियंट प्रोकैरियोटिक um, uh, बैक्टीरियाज लाइक आर्की बैक्टीरिया इधर फॉल होता है जो बैक्टीरियाज जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं डीप इनसाइड द ओशन सपोज ओके तो दीज दीज ऑर्गेनिज्म फॉल्स अंदर आर्किया नेक्स्ट होगा बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया में एग्जांपल दे सकते हैं ई कॉलाई देन ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं तो बैक्टीरियाज भी फॉल होता है उसके बाद यू कैरिया में यू कैरिया में ऑल द यू कैरियोटिक दिस टू वे प्रो कैरिओटिक ऑर्गेनिज्म डू नो वाट इज़ प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिजम प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है उसमें ऑर्गेनली नहीं होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है द जेनेटिक मटेरियल इज़ फ्रीली फ्लोटिंग एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है मतलब ऐसे फ्रीली फ्लोट होता है जेनेटिक मटेरियल जो डी एन ए है उसमें कुछ मेम्ब्रेन नहीं है समझ में आया तो वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में हम लोग को क्या मिलेगा एल्गी होगा फंजाय होगा प्रोटिस्टा होगा प्लांट एनिमल जितने भी हैं वो इधर फॉल करेंगे जितने भी हम लोगों ने वी टेक अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा एक्सेप्ट दैट मोनेरस बैक्टीरिया इस ये तो मोनेरस है ना बैक्टीरिया है उसके बाद रेस्ट जितने भी है प्रोटिस्ता uh, um, है फंजाई है उसके बाद एनिमेलिया है प्लांट है सब यू में फॉल होगा एंड दिस थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ वॉज गिवन कार्ल वूस समझ में आ रहा है ना अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अभी हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे दैट इज टेक्सोनॉमी अभी टेक्सोनॉमी होता क्या है ये टेक्सोनॉमी फर्स्ट किसने कॉइन किया था ये नाम किसने दिया था इट वॉज़ गिवन बाय ए पी डी कंडोले ये है साइंटिस्ट का नाम जिसने फर्स्ट ये टर्मिनोलॉजी दिया था टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी बेसिकली नाम देना है किसी ऑर्गेनिज्म को नामाकरण जो बोलते हैं ना ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं तो इट वॉज फर्स्ट गिवन बाई ए पी डी कंडोले अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सो so, हम लोग को टेक्सोनॉमी में ये तीन स्टेप्स लेके मान के चलना पड़ता है फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन हम लोग ने जितने भी ऑर्गेनिज्म लिए हैं फॉर फॉर द टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन तो फर्स्ट हम लोग उसका कैरेक्टर्स देखते हैं कैरेक्टराइजेशन करते हैं उन लोग का कैरेक्टर्स देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स है एंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये है क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म है आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद हम लोग उनको कुछ नाम देते हैं नोमेंट्लेचर मीन्स कुछ नाम देते हैं उसके बाद हम लोग उनको क्लासीफाई करते हैं कि ये प्लांट में गिरेगा में में या एनिमल्स में होगा ये मोनरस में होगा या फंजाय में होगा या प्रोटेस्टा में होगा तो फर्स्ट हम लोग उनको का कैरेक्टर्स देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एक ऑर्गेनिज्म का उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है क्या चीज उसके बाद कुछ एक नाम दे देंगे उन, उनका उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे कि ये कौन सा कैटेगरी में फॉल होगा ये होता है टेक्सोनॉमी में अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी में क्या होता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को देखते हैं स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या प्रोसेस हम लोग को लगा है क्लासीफाई करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को जो मैंने दिखाया था ना थ्री स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टिक्सनॉमी क्लासीफिकेशन हाँ उसके बाद फादर ऑफ टिक्सनॉमी कौन होगा ये कारिनियस है फादर ऑफ टिक्सनॉमी इज कार्लिनियस एंड फादर ऑफ इंडियन टिक्सोनॉमी इज सांता पाओ फादर ऑफ इंडियन टिक्सोनॉमी इज सांता पाओ गेटिंग माई पॉइंट अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अभी देखो क्लासिकल टेक्सोनॉमी अभी टेक्सोनॉमी भी मॉडर्न टेक्सनॉमी है और क्लासिक क्लासिकल टेक्सनॉमी है मतलब जो टेक्सोनॉमी पहले किया था पहले भी तो क्लासिफाई किया था बहुत पहले जब ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी में इट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ ऑब्जर्व करके कैटेगराइज कर दिया अभी मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या है आउटर अपियरेंस आउटर एपियरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाहर से देख के ही कैटेगराइज कर दिया कि ये प्लांट है एनिमल है बैक्टीरिया है वायरस है जो भी है समझ में ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के क्लासीफाई कर दिया सिंपल हाँ ये है क्लासिकल टिक्सोनॉमी में अभी नेक्स्ट में क्या हम लोग मॉडर्न टिक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे उसमें क्या क्या है एक्सटर्नली भी देखा है इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा है अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बाहर का स्ट्रक्चर भी देखा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनसाइड का भी स्ट्रक्चर देखा है इनसाइड में तो सेल होगा ऑर्गैन होगा हाँ सब देखा है इसमें उसके बाद क्या क्या देखा है डेवलपमेंटल प्रोसेस वो डेवलप कैसे हो रहा है डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है लार्वर स्टेज है क्या बीच में कुछ अलग स्टेज भी है क्या कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का तो डेवलपमेंट प्रोसेस भी देख लिया है थर्ड पॉइंट में क्या बोलते हैं इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कुछ इकोलॉजी में कुछ इकोलॉजी मीन्स क्या द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है उसका इंफॉर्मेशन भी इन लोगों ने कंसिडर किया है बाहर का भी स्ट्रक्चर देखा अंदर का भी देखा सेल का भी देखा डेवलपमेंट प्रोसेस भी देखा उसके बाद इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है वो भी देखा है तीन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन लोगों ने कंसिडर किया है बट क्लासिकल टेक्सोनॉमी में सिर्फ एक ही पॉइंट कंसिडर किया था दैट इज बाहर का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आउटर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आउटर अपियरेंस जैसा है उसी को ही कंसिडर किया था अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अभी टेक्सोनॉमी हायर की क्या है ये टेक्सोनॉमी हायर की है क्या सो so, ये क्या है स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल द कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हम लोग एक स्टेप वाइज कैटेगरी लेंगे हम लोग तो क्लासीफाई करेंगे चीज़ों को तो स्टेप वाइज सीक्वेंस तो होना होगा हाँ तो ये एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट है ऑफ़ द कैटेगरीज जिसको जिसको प्लांट एंड एनिमल में क्लासीफाई इजीली हम लोग कर सकते हैं सपोज दिस इज़ द टनोमिक हायर की सपोज पहला जो हाइस्ट उसमें फॉल होगा दैट इज़ किंगडम किंगडम में हम लोग जनरली प्लांट एंड एनिमल्स सिर्फ दो चीज़ को ऐसे डिवाइड करते हैं प्लांट होगा या एनिमल होगा ऐसे उसके बाद सेकेंड इज फाइलम कॉडेड नॉन कॉडेड लाइक दैट कॉडेड्स हम लोग एनिमल किंगडम में इन डिटेल्स में पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट क्लास है जो मेमेल्स mammal, मेमिलिया है कानीवोर्स है हावी वोर्स है तो हम लोग ऐसे करके क्लासीफाई करेंगे इन क्लास देन फोर्थ में ऑर्डर है ये प्राइमेट है या नॉन प्राइमेट है फिफ्थ में फैमिली है ये एग्ज़ाम्पल दिया है होमिन होमिनेडी मीन्स ह्यूमन बींग्स का दिया है ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है होमोसेपियंस तो हम लोग कौन सा फैमिली में फॉल करते हैं होमिनेडी होगा इसमें और भी फैमिली दूसरा दूसरा कैटेगरीज का डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होगा उसके बाद सिक्स्थ वन इज़ जीनस दैट इज़ होमो इज़ अ जीनस एंड सेवेंथ इज स्पीशीज दैट इज सेपियंस हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या ह्यूमन बींग्स का सेपियंस मीन्स होमो मीन्स जीनस सेपियंस मीन्स स्पीशीज तो टेक्सोनिक हायर में सेवन कैटेगरीज़ है

अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं ये मैंने और एक एग्जांपल दिया है पता नहीं इतना गंदा सा होके है आई एल एक्सप्लेन बट तो मैंने जो बोला है किंगडम जो एनिम एनिमेलिया एंड प्लान प्लान्टे में कैटेगराइज हो सकता है ओके सॉरी फॉर दैट एनिमेलिया एंड प्लान्टे में कैटेगराइज हो जाएगा फाइलम में कॉडिट्स एंड नॉन कॉडिट्स में उसके बाद क्लास क्लास में मेमेलिया उसके बाद मेमिलिया हो सकता है फिश हो सकता है एम्फीबियंस रेप्टाइल्स ऐसे हो सकता है बर्ड्स हो सकता है ऑर्डर में क्या होगा प्राइमेट्स एंड कानीवोर्स इसमें और एक मैंने ऐड कर दिया है उसके बाद फैमिली में होमिनेडी जो हम लोगों ने ह्यूमन में पढ़ा होमिनेडी तो इसमें कानीवोर्स में हम लोग फैली डे फैली डे एक फैमिली लेके हम लोग चल रहे हैं अभी जीनस जो होमो है इन केस ऑफ ूमन्स um, uh, अभी uh, जो कान्निवर्स का uh, फैलीडे फैमिली में जीनस जो पैंथेरा पेंथराफेलिस होगा सॉरी बहुत गंदा से निकला है ये तो ये हो जाएगा क्या होगा ये जीनस होगा पैंथेरा पेंथराफेल जीनस होगा अभी uh, पैंथेरा पेंथराफेलिस का हम लोग uh, सॉरी पैंथेरा अलग है पैंथेरा इसमें फॉल होगा और इधर फेलिस F E L I S. आम कटिंग दिस दिस इज़ द फेलिस अभी फेलिडे में फेलिडे फैमिली का अंदर दो जीनस आ सकता है दैट इज़ पेंथेरा एंड फेलिस ये स्क्रीन में देखिएगा बहुत कंफ्यूजिंग लग जाएगा मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको अच्छे से सुनिएगा तो फेलिडे एक फैमिली है जिसमें दो जीनस हो सकता है एक जीनस का नाम है पेंथेरा और दूसरा एक जीनस का नाम होगा फेलिस फेलिस का एक स्पीशीज़ है कैट उसके बाद पैंथरा का स्पीशीज़ होगा लायन लेपर्ड, टाइगर ये लायन है ये भी क्लियरली नहीं दिया है सॉरी फॉर दैट। तो मैंने मुँह से ही बोल दिया समझ में आया होगा तो पेंथरा में लायन लेपर टाइगर फॉल होगा उसके बाद फेलिस में कैट इसलिए बोलते हैं ना लायन लेपर टाइगर्स पैंथर्स ये सब कैट फैमिली का है बोलते हैं ना क्योंकि कैट और ये लायन लेपर्ड टाइगर सेम फैमिली का है दैट इज़ फैलीडे फैलीडे फैमिली का ही है इसमें दो एग्जाम्पल शो किया है मैंने आप भी और प्लांट का भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं इसमें मैंने होमो सेपियंस, ह्यूमंस का दिया है उसके बाद जो फैलीडे फैमिली का पेंथरा और फैलिस का मैंने दिया है लायन लेप टाइगर एंड कैट्स का टिक्सोनिक हायर में और ये सीक्वेंस याद रखना है अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज अभी स्पीशीज है क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं तो कॉन्सेप्ट गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है अर्नेस्ट मेयर ने साइंटिस्ट का नाम भी बहुत बार पूछते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो ये कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने एंड ये कॉन्सेप्ट तो दिया अर्नेस्ट मेयर ने बट अभी इसका टर्मिनोलॉजी किसने दिया कि इसका स्पीशीज़ बोल के नाम किसने दिया वो दिया है जॉन रे ने ये कंफ्यूज नहीं होना है जॉन रे ने ये स्पीशीज़ नाम दिया है उसके बाद ये स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट दिया है अर्नेस्ट मेयर ने और ये है क्या ये है बेस बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ये सबसे लास्ट में फॉल होता है टेक्सोनॉमिक हायर की में समझ में आ रहा है सो so, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है ये स्पीशीज़ सो वी हैव डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ सब स्पीशीज़ एक जैसा नहीं होता है समझ में आ रहा है अभी लायन लेपर्ड टाइगर ये सब एक फैलीडे फैमिली का ही है पर उन लोग कम्प्लीटली डिफरेंट है कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीशीज़ है उन लोग का जीनस भी सेम है समझ में आ रहा है अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो स्पीशीज़ होता क्या है स्पीशीज होता है कि स्पीशीज आ ग्रुप है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एक ग्रुप है जिसमें सब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वे दे कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्ट्रिंग उन लोगों के बीच में ही इंटरब्रीडिंग होगा टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्ट्रिंग सपोज दिस इज अ चिम्पाजी और दिस इज अ गोरिल्ला प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन वॉट इज दिस ओके सो ये ग्रुप है जो उन लोग खुद का बीच में इंटरब्रिट करेगा ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज हाँ विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक ही जैसे है हाँ उसके बाद उन लोग खुद का बीच में ही करेगा अभी ये तो जाएगा नहीं एक दूसरा मंकी को ढूंढने ये तो जाएगा नहीं एक ह्यूमन को ढूँढने तो इन लोग खुद का ही बीच में इंटरब्रिट करके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं उसके बाद जब जनरेशन कंटिन्यूज लाइक दैट समझ में आ रहा है स्पीशीज क्या है दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं दैट इज सिस्टमैटिक्स अभी सिस्टमैटिक्स होता है क्या है टेक्सोनॉमी पढ़ लिया हाँ क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया टेक्सोनॉमिक हायर की भी पढ़ लिया अभी सिस्टमैटिक्स uh, क्या है अभी सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ये एक स्टडी है ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स ये लिविंग फॉर्म्स कितना डाइवर्स है उसका स्टडी बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड द रिलेशनशिप एमोंग लिविंग थिंग्स थ्रू आउट टाइम इस कॉल सिस्टमैटिक्स तो सिस्टमैटिक्स क्या है एक स्टडी है जिसमें पूरा डायवर्सिटी को हम लोग पढ़ेंगे लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितने भी डाइवर्स फॉर्म है जो पहले थे जो पास्ट में थे और प्रेजेंट में हैं और उन लोग का रिलेशनशिप पास्ट और प्रेजेंट में जो रिलेशनशिप है उनको पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स में बिकॉज ये एक स्टडी है ना स्टडी करते हैं ऑल द लिविंग फॉर्म्स द डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं जो पहले था और जो अभी है और उन लोग का रिलेशनशिप को हम लोग सिस्टमेटिक्स में पढ़ते हैं और वो फ़र्स्ट यूज़ किया था कैरलस लीनियस ने अभी ये नाम बार बार रिपीट हो रहा है आप लोग एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा कैरलस लीनियस जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था सिस्टमैटिक्स फर्स्ट यूज़ किया था कैरलस लीनियस ने हाँ उसके बाद फिर से कैरेस लीनियस आएगा इन बायोनोमियल नॉमिन क्लैच ओके सो so ये समझ में आया सिस्टमेटिक्स क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट uh, पॉइंट्स है जस्ट मैंने एक एक स्लाइड में दे दिया है फॉर फॉर योर एंट्रेंस परस्पेक्टिव सिस्टम आ नेचरा एक बुक है ये देखो सिस्टमा नेचरा किसने लिखा था कैरेस लीनियस ने कैरेस लीनियस ने लिखा था सिस्टमा नेचरा ये बुक अभी नेक्स्ट बुक में चलते हैं स्पीशीज प्लान्टेरियम स्पीशीज प्लान्टरियम जो कैरेस लीनियस हम लोग कैरेस लीनियस को किसी किसी बुक में कार्ड लीनियस बोल के भी है उसके बाद कैरेस लीनियस भी है दोनों अलग नहीं है दोनों सेम ही है हाँ किसी किसी बुक में कार्ल लीनियस दिया है उसके बाद किसी किसी बुक में कैरेस लीनियस दिया है एक्चुअली उसने केरलस लीनियस उन्होंने बाद में कार्ल लीनियस में चेंज कर दिया था अपना नाम तो दोनों सेम ही है हाँ तो ही लिस्टेड एवरी स्पीशीज ऑफ प्लांट नोन एट द टाइम तो इस बुक में स्पीशीज प्लांटेरियम में जितने भी प्लांट स्पीशीज़ है सबको लिस्ट डाउन कर दिया था इन बुक इस बुक में किसने किया था कैरलस लियस और यू कैन से कार्ल लीनियस ने अभी नेक्स्ट में चलते हैं नॉमेन अभी जो नॉमन का वो है उस वो नॉमन क्लेचर्स मीन्स क्या किसी को नाम देना है नामाकरण जो किसने दिया था कैरलस लीनियस ने ये कैरलस लीनियस का पिक्चर लगाया हुआ है तो कैरलस लीनियस ने ही नॉमन क्लेचर्स के बारे में आ, बोला था तो अभी पढ़ते हैं क्या है ये नॉमन क्लेचर्स होता है क्या है उसका डेफिनेशन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म रेंडरिंग मीन्स गिविंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग साइंटिफिक नेम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को वही नोमकलेचर्स कहलाता है हम लोग साइंटिफिक नेम देते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स लोग को हाँ अभी इसमें किसका हेल्प होता है आई सी बी एन आई सी जेड एन वेर एडवांस टू अपॉइंट साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली अभी कौन देता है हु इज़ हेल्पिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आई सी बी एन और आई सी जेड एन आई सी बी एन जो बाय बोटनिकल नेम देता है बॉटनिकल साइंटिफिक नेम देता है प्लांट्स लोग का साइंटिफिक नेम देते हैं आई सी जेड जेड एन जो एनिमल्स लोग का साइंटिफिक नेम देते हैं अभी आई सी बी एन और आई सी जेड एन का फुल फॉर्म देखते हैं तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोनोमल नोमिनक्लेटर्स जो आई सी बी एन है उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूलॉजिकल नोम है ICZN। जेड एन सो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस एग्जाम परस्पेक्टिव इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है आई सी बी एन और आई सी जेड एन का इन लोग बेसिकली नॉमिन देते हैं नाम देते हैं ये प्लांट्स लोग का नाम देते हैं ये एनिमल्स का नाम देते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड uh, में जाते हैं सपोज दिस इज अ साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैनजीफरा इंडिका ये भी क्वेश्चन आता है साइंटिफिक uh, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होना है हाँ और कभी कभी हम लोग को दिखाई मिलता है मैंग मैंजीफेरा इंडिका लिन ये क्या है ये लिन क्या आइडेंटिफाई कर रहा है मीन्स मैंजीफरा इंडिका को फर्स्ट कैरेक्टराइज डिस्कवर फर्स्ट डिस्कवर नहीं कैरेक्टराइज इसके बारे में जो एलेबोरेटली बोला है बोल, किन ने बोल किन्होंने ने बोला है कैरेस लीनियस ने बोला है इनके बारे में लिखा है मैंगोज के बारे में कैरेलस लीनियस ने किया है तो इसलिए एक साइंटिफिक नाम के पीछे किसी किसी साइंटिस्ट का नाम भी जुड़ा होता है कैरेल लीनियस उनका टाइटल जुड़ा होता है वो भी शॉर्ट फॉर्म में लिन इसलिए एल आई एन एन डॉट अभी चलते हैं हम लोग साइंटिफिक साइंटिफिक नेम के थोड़ा uh, वो पढ़ लेते हैं थियोरी पढ़ लेते हैं साइंटिफिक नेम के बारे में द साइंटिफिक नेम हैज़ टू सेगमेंट्स इनका दो सेगमेंट होता है जैसे हम लोगों ने पढ़ा मेंजिफेरा इंडिका होमो सेपियंस ऐसे द जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट तो सपोज एक सेकेंड इसमें ये जो जेनेरिक नेम है ये जेनेरिक नेम है जिसको जीनस भी बोलता है और ये जो स्पेसिफिक एपिथेट है जिसको हम लोग स्पीशीज भी बोलते हैं सो बाइनोमियल नोमकलेचर्स में दो पार्ट होता है जैसे हम लोग का नेम एंड टाइटल होता है वैसे ही बाइनोमियल नोमथ्लेचर्स में नेम एंड टाइटल ऐसे होता है तो फर्स्ट सेगमेंट जो होता है वो जीनस कहलाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट जो स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट कहलाया जाता है अभी हम लोग थियरी पढ़ रहते हैं उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं जेनेरिक नेम और जीनस और स्पेसिफिक एपिथेल और स्पीशीज भी बोला जाता है दिस अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कॉम्पोनेंट्स इज कॉल बाइनोमियल नोमेंट्लेटर्स में दो कॉम्पोनेंट है इसलिए इसको बाइनोमियल बाइनोमियल मीन्स क्या है बाई मीन्स टू नोमेंटलेटर्स मीन नामाकरण करना बाइनोम तो इसलिए कहला जाता है जि, जिसको किसने दिया था लीनियस ने दिया था एग्जाम्पल होमोसेपियंस हम लोग को मिल गया था पहले मींस क्या होगा जेनेरिक नेम और जीनस नेम और सेपियंस जो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज नेम हो जाएगा समझ में आ रहा है अभी देखते हैं कुछ रूल हम लोग को मान के चलना पड़ता है जब हम लोग साइंटिफिक नेम को लिखते हैं बायनोमिल नोमिनचर्स को लिखते हैं तो पहला पॉइंट है ईच नेम हैज टू वर्ड्स एक नेम में दो वर्ड्स है वो तो पता है एक जीनस होगा एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा नेक्स्ट बोला है व्हेन एक्सप्रेस शुड बी इंडिपेंडेंटली अंडरलाइन जब हम लोग इन वर्ड्स लिख हम लोग हैंड रिटन लिखते हैं तो हम लोग को उसको अंडरलाइन भी करना होता है When वेन रिटर्न मैनुअली एंड शुड बी इटेलिक्स when printed। जब ये मैनुअली हम लोग लिखते हैं तब हम लोग को अंडरलाइन करना ज़रूरी है इफ अंडरलाइन नहीं किया तो वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा और जब हम लोग टाइप करते हैं प्रिंट करते हैं तब वो इटैलिक्स में होना है फॉन्ट को चेंज करके इटैलिक्स में करना है उसको अंडरलाइन करने का ज़रूरत नहीं है जब प्रिंट किया है वो बस इटैलिक्स में होना है जब हम लोग मैन्युअली लिखते हैं तब उसको अंडरलाइन करना है एंड नेम शुड बी लैटिनाइज और इन लैटिन और जो हम लोग ने होमोसेपियंस मैंजिफरा इंडिका ये सब लैटिन वर्ड है लैटिन वर्ड हाँ और वो हम लोग इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं ये लैटिन इटैलिक्स में कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्वेश्चन यहीं से बनता है लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इटैलिक्स है, है उन लोग का और लैटिन है लैंग्वेज जो है न, नेम जो लैटिन वर्ड में है होगा उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है जेनरिक नेम बिगिंस विथ अपर केस एंड द स्पेसिफिक नेम बिगिंस विथ लोअर केस जो जेनरिक नेम है जो पहला सेगमेंट का फर्स्ट लेटर वर्ड है वो कैपिटल लेटर में होना है अपर केस बोला है कैपिटल लेटर में होना है उसके बाद जो स्पेसिफिक नेम है जो स्पेसिफिक एपिथेट है स्पीशीज का नेम है वो स्मॉल लेटर में होने से होगा स्मॉल लोअर केस बोला है जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर जो अपर केस स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर लोअर केस में होना है तो so ये सब रूल हम लोग को मान के चलना है जब हम लोग बायनोमियल नोमेंटर और साइंटिफिक नेम लिखते हैं अभी देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट ट्राइनोमियल नोमचर ये क्या है ट्राइनोमियल नोमेंटर और ऑटोनेम दो कॉन्सेप्ट आता है इधर बेसिकली ट्राइनोमियल नोमिनचर्स में क्या होता है तीन नेम्स होते हैं जैसे बाइनोमियल में दो सेगमेंट हो, हो होता था ट्राइनोमियल नोमफ्लेटर्स में तीन सेगमेंट्स होते हैं ट्राइनोमियल नोमिनचर्स मीन नेमिंग ऑर्गेनिज्म विथ जीनस फॉलोड बाय स्पीशीज फॉलोड बाय सब स्पीशीज पहले जीनस होगा पहले जीनस होगा उसके बाद स्पीशीज होगा उसके बाद सब स्पीशीज होगा समझ में आ रहा है तो ये तीन सेगमेंट में होता है अभी ये ऑटोनिम है क्या ऑटोनिम रिफर्स वैन स्पेसिफिक एपिथेट इज रिपीटेड दो बार रिपीट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। मीन्स ये वाला दो बार रिपीट होगा फॉर एग्जाम्पल कॉर्वस स्पलेंडन कॉर्वसपलेंडन स्पलेंडन स्पलेंडन दो बार रिपीट किया है स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट जो दो बार रिपीट किया है ये एक साइंटिफिक नेम है क्रो का ये ये कंडीशन बोलते हैं ऑटोनिम जिसमें हम लोग का स्पेसिफिक एपिथेड जो स्पीशीज है उसका नाम दो बार रिपीट होता है समझ में आ रहा है अभी नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं अभी क्या है हम लोग थोड़ा आ, अलग चीज पढ़ेंगे अभी हर्बेरियम है क्या हर्बेरियम है क्या हम लोग छोटे में प्लांट्स कलेक्ट करके बुक्स के बीच में रखते थे रोज रखते थे बुक्स के बीच में तो दिस इज़ अ शॉर्ट ऑफ हर्बेरियम ओनली पर हम लोग और भी डिटेलिंग में आ, करना चाहेंगे तो ऐसे ही हम लोग एक चित में उसका उनका साइंटिफिक नेम वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो मैंने कलेक्ट किया है उसका साइंटिफिक नेम उसका उसका कॉमन नेम कहाँ से कलेक्ट किया है लोकेशन कब कलेक्ट किया है डेट टाइम सब हम लोग को नोट डाउन करना पड़ता है तो ये हर्बेरियम है क्या अ हर्बेरियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पीशी स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्स इन शीट्स तो ये हर्बेरियम क्या है जिसको हम लोग प्लांट को कलेक्ट करते हैं कलेक्ट करके प्लांट स्पीसीमेंट्स को कलेक्ट करके उसको ड्राई करते हैं अच्छे से ड्राई करना होता है प्रेस करते हैं बुक के बीच में रख के प्रेस करना होता है एंड प्रिजर्व्ड इन अ शीट हम लोग शीट में अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम अभी नेक्स्ट में चलते हैं ये कुछ फैक्ट हाँ हम लोग, लोग पढ़ेंगे मैंने फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम लोग को याद रखना है अभी ये है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन जिसको हम लोग इंडियन बोटानिकल गार्डन बोलते हैं वो कहां पर लोकेटेड है वो हावड़ा वेस्ट बंगाल में है हावड़ा हावरा, हावरा इंडिया में है इंडियन बोटानिकल गार्डन अभी नेक्स्ट लाइन में चलते हैं सी एस आई आर डैट इज नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एन बी आर आई सी एस आई आर का अंदर है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ है लखनऊ में है इंडिया लखनऊ इंडिया ओके okay? अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कुछ हम लोग टेक्सोनॉमिक एट के बारे में पढ़ेंगे मैंने वो पता नहीं क्यों हर्बेरियम वाला पहले ही दे दिया है उसके बाद देना चाहिए था टनोमिकट के बारे में तो ये है टिक्सोनॉमिक एड जो हम लोग टिक्सोनॉमी में क्या किए थे कैरेक्टराइजेशन किए थे आइडेंटिफाई किए थे उसके बाद नोमट्लेचर्स नाम दिए थे उसके बाद क्लासीफाई किए थे तो अभी कौन किया कहाँ से हम लोग को हेल्प मिलेगा सो वील डिस्कस सिक्स डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टिक्सनोमिकट हर्बेरियम ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था ये सब क्यों इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ कोई स्पीशीज़ एक्सटिंग भी हो जाता है तो हम लोग के पास एक सैम्पल रह जाता है जैसे हर्बेरियम में सपोज़ वन प्लान गॉट एक्सटिंग बट इट इज़ वेल प्रिजर्व इन अ पर्टिकुलर हर्बेरियम अच्छे से प्रिजर्व होते रहेंगे उसके बाद मोनोग्राफ पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क की है म्यूज़ियम है बॉटनिकल गार्डन है अब हम लोगों ने एक बॉटनिकल गार्डन में पढ़ा पढ़ पर लिया है इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कहाँ पर है हावड़ा में है अभी हम लोग टिक्सनॉमिक एड के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके अभी ये मोनोग्राफ है क्या मोनोग्राफ जो एक एड है इट कंटेन्स इंफॉमेशन ऑन एनी वन टक्सॉन एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होता है तो ये टेक्सॉन है क्या अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग अ रैंक ऑफ एनी लेवल तो हम लोगों ने टिक्सनोमिक क्लासिफिकेशन देखा है क्या है टिक्सनोमिक क्लासिफिकेशन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग अ रैंक ऑफ एनी लेवल किसी भी एक लेवल का जो रैंक होता है उसको टैक्सोन बोलते हैं और इधर मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सन का इंफॉर्मेशन होता है एक टैक्सन का ही होगा समझ में आ रहा है अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अभी की की है क्या इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ तो हम लोग इसमें क्या करते हैं हम लोग क्लास कैरेक्टराइज करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्लांट है या एनिमल्स है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ क्या उसका सिमिलैरिटी कैरेक्टर है ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक ग्रुप में पुट करेंगे और डिसिमिलैर कुछ डिफरेंट कैरेक्टर है तो वो दूसरा ग्रुप में हम लोग पुट करेंगे दैट इज की

सपोज अभी आ, की में क्या होता है बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज कैरेक्टरस्टिक्स अभी क्या होता है अभी हम लोग सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी करेक्टर्स सपोज बर्ड का ले लेंगे इसमें बर्ड मैंने पूरा पुट करके रखा है तो बर्ड का ले लेंगे सपोज हम लोग बर्ड का सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ कररेक्टरिस्टिक्स देखते देखेंगे तो फर्स्ट हम लोग एक स्टेटमेंट दे सकते हैं ईट स्टेटमेंट बोला है ना तो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि दे कैनॉट फ्लाई और एक स्टेटमेंट दे सकते हैं दे दे कैन फ्लाई दे सकते हैं फ्लाइटलेस बर्ड भी होता है ऑस्ट्रिच इम्यू ये सब होता है ना तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया दो स्टेटमेंट दिया कि एक फ्लाई uh, कर सकते हैं बर्ड्स कैन फ्लाई एक स्टेटमेंट दिया है कि बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई जो मैंने एक स्टेटमेंट दिया है उसको बोलते हैं लेट ईच स्टेटमेंट इन्हें की इज कॉल लेट जो मैंने अभी बोला है द बर्ड्स कैन फ्लाई वो एक लेट हो गया अभी नेक्स्ट पता है द कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरेटेड इन पेयर्स इज कॉल्ड कॉपलेट तो मैंने एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया है कि नहीं एक तो बोला है कि मैंने द बर्ड्स कैन फ्लाई उसके बाद और एक कंट्रास्टिंग uh, कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया द बर्ड कैनॉट फ्लाई तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इन पेयर हुआ कि नहीं दे कैन फ्लाई एंड दे कैनॉट फ्लाई तो ये जो पेयर है वो कॉपलेट हो जाएगा और एक सपोज और एक मैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देती हूँ द बर्ड्स हैव स्पॉट इन देअर बॉडी एंड दूसरा में और एक कैरेक्टरिस्टिक दे दिया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक दे दिया द बर्ड्स डू नॉट हैव स्पॉट्स इन देयर बॉडी द बर्ड हैव स्पॉट्स इन देयर बॉडी एंड द बर्ड डू नॉट हैव स्पॉट्स इन द बॉडी दो पेयर में हो गया दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हो गया तो वो क्या कहलाया जाता है कॉपलेट कहलाया जाता है एंड एक एक जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बोला है कि दे हैव स्पॉट्स इन देयर बॉडी वो एक लेड हो गया एक लेड हो, हो गया और दे डू नॉट हैव स्पॉट्स इन द बॉडी वो एक दूसरा लेड हो गया ये दोनों हम लोग का कहाँ पर यूज होता है की में यूज होता है दैट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलास एंडिसिमिलास कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है ये बात सो so, खत्म चैप्टर अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को ये वाला मेरा नोट सफिशियंट है उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है उसके बाद सब ठीक है hmm. So, thank you, thank you for your patient hearing. If you didn't understand anything, please write down in the comments section. Thank you.